हाय गाइस, आई एम हितेश, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आप सभी लोग जान ही चुके हो आज की वीडियो में क्या रहने वाला है। तो बेसिकली ये एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जो मैं इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ी है या जिन लोगों ने अभी नई गाड़ी परचेज़ की है, सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि उससे चैनल को सपोर्ट मिलती है और मैं अच्छे से अच्छा और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा आगे आने वाली वीडियोस में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने अप्रैल 2021 को ये इंडिया की नंबर वन सेफेस्ट कार तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए परचेज़ कर ली, जो कि मुझे और मेरी फैमिली को 5-स्टार रेटेड सेफ्टी प्रोवाइड करती है। बट मैं उस टाइम अपनी गाड़ी की सेफ्टी की तरफ ध्यान देना भूल गया। मैं ये भूल गया कि जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूँगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे घूमते हैं, वो मेरी गाड़ी को डैमेज कर सकते हैं। मतलब उसके इंजन बे के अंदर घुस के उसके सेंसर को, उसकी वायर को कट कर सकते हैं। मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी और नेक्स्ट डे जब मैं उठा और जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो मुझे इंजन बे के अंदर मतलब ठक ठक करके कुछ साउंड सुनाई दी, तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने इंजन बे खोला, उसके अंदर दो मोटे मोटे चूहे घूम रहे थे। तो मैं एकदम से डर गया कि इतनी महंगी गाड़ी परचेज़ कर ली, कहीं किसी चूहे ने किसी वायर को कट तो नहीं कर दिया, सेंसर को डैमेज तो नहीं कर दिया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो उस टाइम मैंने ऑनलाइन मार्केट से मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सच मानिए, मुझे कम से मतलब एक साल होने वाला है, अब तक कोई दिक्कत नहीं आई जब से मैंने ये प्रोडक्ट अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है। इसको बोलते हैं कारकैट का अल्ट्रासाउंड रैट रेप्लिकेंट फॉर ऑटोमोबाइल्स। क्या होता है इसके अंदर से, एक तो 1,00,000 तरह का अलग अलग पैटर्न में साउंड निकलता है, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो निकलती हैं। वो क्या करती हैं, चूहों को मतलब कि अंदर घुसने नहीं देती। तो चूहों का क्या होता है कि जब वो सेम तरह का साउंड सुनते रहते हैं ना, तो उसके आदी हो जाते हैं, वो उसके अंदर रहने योग्य हो जाते हैं। उससे क्या होता है, वो गाड़ी में बार बार आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें मतलब 1,00,000 तरह का साउंड निकलता है अलग अलग पैटर्न में। तो मतलब चूहों को समझ ही नहीं आता कि कभी कोई साउंड निकलता है, कभी कोई साउंड निकलता है। चूहे फिर इसके अंदर इसके डर से अंदर आना भूल जाते हैं, वो मतलब दूर भागते हैं, इसके अंदर गाड़ी के अंदर घुसेंगे ही नहीं। और जिन चूहों को सुनाई नहीं देता उनके लिए इसके अंदर एक मतलब इंडिकेटर है, वो रिफ्लेक्ट करता रहता है, लाइट चलती रहती है, ब्लिंक करती रहती है। चूहों को ऐसे लगता है गाड़ी के अंदर कुछ है जो उनको भगाने की कोशिश कर रहा है, तो चूहे गाड़ी के अंदर आना बिल्कुल बंद कर देंगे। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप अमेज़ॉन से या इनकी वेबसाइट दोनों में से किसी जगह से भी इसको परचेज़ कर सकते हो। ये ARAI द्वारा सर्टिफाइड है, ये चूहों को बिल्कुल नहीं मारता, उनको सिर्फ दूर भगाता है। अब जो इसका वर्जन, जो मॉडिफाइड वर्जन है, वो इससे थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर कैसे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लास्ट ईयर जब मैंने इसको परचेज़ किया था, ये उस टाइम की इनवाइसिंग है, 3,652 रुपीज़। ये कारकैट की वेबसाइट से था परचेज। और इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है, एक तो ये मैनुअल दिया है जिसकी हेल्प से आप इंस्टॉल कर सकोगे इस प्रोडक्ट को। इसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसको इंस्टॉल करते वक्त। आप घर पे भी आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और ये इसका है वारंटी कार्ड, हमें कंपनी 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है ये वारंटी कार्ड। और इसमें हमें ये टाई बेल्ट और ये कुछ स्क्रू कंपनी ने साथ में दिए हैं, ताकि इसकी हेल्प से आप इसको इंस्टॉल कर सको। चलिए, अब गाड़ी का इंजन बे तो ओपन कर लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे इंस्टॉल किया इसको। ये देखिए,
बैटरी टर्मिनल के बिल्कुल पास मैंने इंस्टॉल किया है। इसकी जो वायर है बहुत ज़्यादा लंबी है, आप इंजन के किसी भी हिस्से में इसको इंस्टॉल करोगे तो उसकी वायर बैटरी तक आसानी से पहुंच जाएगी। ये देखिए, वैसे तो इसके मैनुअल में लिखा है कि आप ड्रिल की हेल्प से इसके कहीं पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैंने नई गाड़ी के अंदर ड्रिल करना सही नहीं समझा, वारंटी वगैरह वॉइड हो सकती है, इसलिए मैंने ड्रिल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया। मैंने अपने देसी जुगाड़ से या वायर की हेल्प से ही इसको बांध दिया है, तो ये बिल्कुल नहीं हिलता, साल हो गया इसको इंस्टॉल किए हुए। तो इसका जो प्लस टर्मिनल है वो रेड से आपने लगाना है, उसके अंदर ये फ्यूज़ दिया है, फ्यूज़ निकालोगे तो ये बंद हो जाएगा, और जो ब्लैक वायर है उसको माइनस टर्मिनल में लगाना है। ये देखिए, ऐसे ही ये वर्क करता रहता है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इसको इंस्टॉल करो ऐसी जगह आपने ढूंढनी है जिसके सामने 8 सेंटीमीटर का गैप हो, मतलब 8 सेंटीमीटर तक का खाली स्पेस रखा है। उससे क्या होगा, जो इसके अंदर से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं वो पूरे इंजन की तरफ फैल जाती हैं। यहाँ पे अगर इसके सामने कोई और चीज़ होती, एलिमेंट होता या कोई इंजन का पार्ट होता तो वो वहीं पे रुक जाती, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो कार कैट वालों ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो एक तो रेड कलर का है, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये तो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे गाड़ी चल रही है बंद है, ये चलता ही रहता है, ये बंद नहीं होता। अगर इसकी फ्यूज़ वगैरह निकाल लेंगे तभी ये बंद होगा, या कोई वायर निकाल लेंगे तभी बंद होगा, नहीं तो ये चलता ही रहता है। बट अब जो कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो जब आपकी गाड़ी कहीं पे पार्क है, इंजन बंद है, तभी वो ऑन होगा। जब गाड़ी आपकी चल रही है, इंजन स्टार्ट हो गया है, तब उसकी पावर सप्लाई अपने आप कट हो जाती है। तो इसमें और इसमें यही फ़र्क है, बाकी फंक्शनिंग बिल्कुल सेम है। अगर लास्ट ईयर वाला प्रोडक्ट आपको मिलता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नया प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो जो न्यू मॉडल है, तो उसमें ये फैसिलिटी है कि वो जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो उसकी पावर सप्लाई बिल्कुल कट हो जाएगी, तो कंजप्शन बंद हो जाएगी, तो बैटरी पे बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा। तो मैं तो अब आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो नया प्रोडक्ट है वही इंस्टॉल करें, ये पुराने वाले की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये बैटरी की कंजप्शन ज़रूर करता है, चाहे थोड़ी करे बट ये करता ज़रूर है कंजप्शन। दैट्स अबाउट इट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, फॉलो मी ऑन Instagram। कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग, लव यू गाइज एंड बी सेफ।